कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे दोस्तों, और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज मैं आपसे एक रेसिपी शेयर करना जा रही हूँ, और वो रेसिपी है कढ़ी की, और जो स्पेशली मेरी मम्मी की रेसिपी है और मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहती हूँ। और जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता, जिनके पास टाइम की थोड़ी जो वर्किंग है, और जो लोगों के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता और उनकी कढ़ी फेवरेट है जिसके कारण वो बना नहीं पाते हैं कभी कभी, तो मैं आ रही हूँ। जो सिर्फ और सिर्फ कढ़ी लोग बनाते होंगे 2 घंटे में, 1.5 घंटे में, 2.5 घंटे में, लेकिन जो मेरी मम्मी की कढ़ी की रेसिपी है वो आप सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे में बना सकते हैं। हेलो, सबको हेलो कर दो, हाय कर दो, और देखिए, हाय, वेरी गुड। आज एनी मूड में है क्योंकि एनू आज खा रही है अपना फेवरेट मोमोज। उसके मामा मोमोज लेके आए हैं उसके लिए और वो खा रही है मोमोज। देखो इसलिए खुश हो रही है, इसके फेवरेट मोमोज आए हैं और इसकी मामी लेके इसके लिए मोमोज लेके आई हैं। देख सकते हैं मम्मी की कुकिंग स्टार्ट हो। आप देख सकते हैं मम्मी ने निकाला है बेसन, ये बन रही है कढ़ी, और मम्मी की सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे की कढ़ी है। लोग बनाते हैं ना 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, तो आप देखते रहिए ये कढ़ी कैसे बनेगी। पहले मम्मी ने डाला बेसन, फिर मम्मी ने डाली क्या डाला मम्मी? दही। ये मम्मी ने डाली दही। देखिए आप, मम्मी इसमें हल्दी डाल रही हैं। हमेशा याद रखिएगा कि कुटी हुई मिर्चें ही डालें, पीसी हुई मिर्च बिल्कुल ना डालें, क्योंकि जो कुटी हुई मिर्चों में अलग टेस्ट आता है और अच्छा अलग फ्लेवर आता है। हाँ, कुटी हुई मिर्चों से कढ़ी बहुत अच्छी लगती है, उसका जो फ्लेवर है, जो उसकी शक्ल भी बहुत अच्छी लगती है। और पीसी हुई से कढ़ी लाल लाल हो जाती है, तो इसलिए कुटी हुई डालनी चाहिए। और मम्मी ने नमक भी डाल दिया है। अब आप देख सकते हैं मम्मी ने कढ़ी को कर दिया है मैश। जो भी मम्मी ने सारे इंग्रेडिएंट्स डाले थे वो देख सकते हैं आप। मम्मी ने अच्छे से कढ़ी को मैश कर दिया है, जो जो मम्मी ने इंग्रेडिएंट्स डाले थे, बेसन, दही, कुछ लोग छाछ से भी बनाते हैं, छाछ भी डाल सकते हैं आप लोग। अब मम्मी ने जब उसको पूरा मैश कर लिया है तो मम्मी ने डाल दिया है पानी। और ये देख सकते हैं मम्मी ने डाल दिया है इसमें पानी, ताकि ये अच्छे से पक जाए। अब इसको उबालने के लिए अब मम्मी ने गैस भी ऑन कर दिया है। मम्मी ने कढ़ी रख दी है, अब मम्मी साथ ही साथ पकौड़ों का भी पेस्ट तैयार कर रही हैं। मम्मी ने एक उसमें बेसन लेके, और ये क्या डाला मम्मी? अदरक लहसुन का पेस्ट, और मम्मी डालेंगी कुटी हुई लाल मिर्च, और नमक। अब मम्मी नमक डाल रही है इसमें। और ये मम्मी ने अजवाइन डाल दी है, क्योंकि अजवाइन इसलिए क्योंकि अजवाइन से टेस्ट भी अच्छा आता है। और इसमें मम्मी डाल रही है हींग। मम्मी ने अब इसमें डाला है पानी, क्योंकि कुछ लोग प्याज के पकोड़े भी बनाते हैं इसमें, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ इसमें हरी मिर्च और हरा धनिया डालते हैं पकोड़ों के पेस्ट में। मम्मी ने इसमें हरी मिर्च और धनिया कट करके कढ़ी के, अब आप देख सकते हैं कढ़ी में उबाल आना शुरू हो गया है, और मम्मी अब इसको कर देगी, मम्मी लगा देगी अब इस पर ढक्कन कुकर का, और ये पेस्ट भी तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं प्रेशर बनना शुरू हो गया है, और मम्मी ने कर दिया है गैस को सिम पे। ये हम फिर आएंगे 20 मिनट बाद किचन में।
दोस्तों मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहती हूँ, जिन लोगों के पास टाइम नहीं है, जो वर्किंग है, वो प्लीज़ एक बार कुकर में कड़ी ज़रूर बनाइए, क्योंकि कुकर में बहुत ही जल्दी 20 मिनट में कड़ी बन जाती है। जो 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 लोग ढाई ढाई दो दो घंटे लगाते हैं, मैं उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ क्यों अपने ईंधन का भी वेस्ट ना हो और टाइमिंग का भी बचत हो। और मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, देखिए मैं आपको विसल उठा के दिखाऊंगी और देखिए कड़ी बिल्कुल भी नहीं निकलेगी, ये देख सकते हैं आप कड़ी नहीं निकल रही है। और कड़ी प्लीज़ ये याद रखिए, जब भी आप कड़ी को रख देते हैं तो आप गैस को सिम कर देंगे, आप उसको सिम पे बनाएंगे। ये कड़ी बन चुकी है और मम्मी अब कड़ी खोल रही हैं, प्रेशर में से निकाल दिए कड़ी। और आप सबसे पहले ये देखिए कि कड़ी रेडी हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं चावल भी रेडी हो रहे हैं और मम्मी ने पकोड़े भी डाल दिए हैं, पकोड़े भी बनने तैयार हो चुके हैं। और मम्मी इसको ये और हल्के से भी ब्राउन, और अभी कड़ी में धनिया भी मम्मी कट कर रही है क्योंकि ये कड़ी में डलेगा धनिया भी। और मम्मी ने पकोड़े डालना शुरू कर दिया है कड़ी में, पकोड़े बन के तैयार हैं। मेरे तो अभी से ही मुंह में पानी आना शुरू हो गया है, देख सकते हैं तड़के का सामान रेडी हो रहा है। मम्मी ने जीरा डाला है, मैं आपको दिखा देती हूँ, मम्मी ने जीरा डाला है और ये है क्या है मम्मी, ये सौंफ है, आप देखते जाइए। साबुत मिर्च निकाल बेटा, माँ है नहीं मम्मी, ये क्या है मम्मी, मेथी दाना। ये है मेथी दाना, मम्मी ही बताइए अपने मुंह से, ये है मेथी दाना, और आप देख सकते हैं ये है राई, और क्या डलेगा मम्मी, हींग डलेगी, ये अब मम्मी डाल रही है हींग, ये देख सकते हैं हींग, अच्छा साबुत लाल मिर्च भी डलेगी। आप देख सकते हैं मम्मी को एनू के लिए भी पकोड़े बना रही हैं आलू के, क्योंकि एनू को बहुत पसंद है तो मम्मी उसके लिए भी पकोड़े बना रही हैं। आप देख सकते हैं चावल भी रेडी हो गए बन के, और हम बैठे हैं मम्मी के घर पे, मम्मी के हॉल में, और देखने जा रहे हैं बेमिसाल मम्मी की पसंद की मूवी, क्योंकि मम्मी को बहुत मम्मी की फेवरेट है। मम्मी मुझे कह रही है कि ये मूवी देखते हैं दोनों माँ बेटी बैठ के, तो हम देखने जा रहे हैं मूवी। और खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, खाना खाएंगे हम 9:30 बजे, तो इतने मैं और मम्मी देख रहे हैं मूवी। साबुत मिर्च डलेगी इसमें सारा ऑयल के अंदर जो भी तड़के का सामान था जो मैंने आपको बताया था सब मम्मी ने डाल दिया है। आप देख सकते हैं वो थोड़ा ब्राउन हो गया है, और अब मम्मी मिर्च भी डाल देगी, साबुत मिर्च, ये देख सकते हैं। देखिए कड़ी तैयार हो चुकी है, और मेरे मुंह में तो सच बताऊं तो बहुत ज्यादा पानी आ रहा है, और मूवी का एंड हो गया है। मूवी बहुत ही बढ़िया थी, बहुत अच्छा लगा मेरे को अपनी मम्मी के साथ मूवी देख के। मम्मी बहुत बढ़िया मूवी दिखाई आपने, एनू ने भी मूवी देखी है बहुत। एनू आपको कैसी लगी, एनू कैसी लगी आपको मूवी, अच्छी थी
भी बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ा आया देख के। और चलो अब खाना भी खा लेते हैं, 9:30 बज रहे हैं, 9:30 का टाइम हो रहा है। क्या टाइम हो रहा है मम्मी? 9:45 हो चुके हैं। तो अब हम खाना खाते हैं और बताते हैं कढ़ी कैसी बनी। और कढ़ी चावल आ गए हैं और मैं खाने जा रही हूँ कढ़ी, और मैं आपको टेस्ट, आप लोग भी खा लीजिए। और मेरे भी मुंह में पानी आ रहा है, मैं खा के बताती हूँ आप लोगों को कढ़ी का टेस्ट कितना अच्छा बना है। देख के खा के मैं बताती हूँ आप लोगों को, ठीक है? आप लोग भी खा लीजिए, बहुत टेस्टी कढ़ी है, मैं भी खाती हूँ। यहाँ पे मैं बहुत टेस्टी कढ़ी है, और मेरी मम्मी की कढ़ी का हाथों का जवाब नहीं है, मम्मी मेरी बहुत टेस्टी कढ़ी खा रही है। हर बच्चे को अपनी माँ के हाथ का खाना अच्छा लगता है, और हमें भी अच्छा लगता है। हमारी शादी बेशक हो गई है, लेकिन हमें आज भी अपने खाने में टेस्ट नहीं आता, और मम्मी के हाथ के खाने का टेस्ट आता है। बहुत बहुत दिनों में मम्मी के हाथ का खाना मिलता है खाने का। तो मैं खाना खाती हूँ, आप लोग भी खा लीजिए। खाना खा लिया है, और खाना खा के बहुत आनंद आया। और मैं इस चैनल से ब्लॉग का यहीं एंड करती हूँ। और प्लीज़ जिसने मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मैं आगे भी पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाने की, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। और बस यही है मेरी इच्छा कि आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज़। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।